UIN फॉर्म रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा, UIN की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, UIN का जो आखिरी मौका मिला है, UIN के लिए फॉर्म कब भरना शुरू हो जाएगा, वेबसाइट पर फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या आप अपने मोबाइल से स्वयं फॉर्म भर सकते हैं, और UIN फॉर्म को भरकर आपको महाविद्यालय में कब तक जमा करना होगा, क्या उसी समय में जमा करना है कि नहीं जमा करना है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोकुश यादव ब्लॉग्स। आप सभी को बता दें कि अवध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए UIN का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक UIN रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है या UIN वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। जैसा कि आप सभी को बता दें, केवल प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में ही UIN की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर प्रथम वर्ष में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो UIN आपके पास होना चाहिए, तभी आप विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। तो UIN फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जिसकी लीगल फीस 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद आप UIN फॉर्म कम्प्लीटली भर सकते हैं। और इसको भरने के लिए और कोई अलग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इसको आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। पेमेंट्स आप UPI के द्वारा, गूगल पे, फ़ोनपे या किसी भी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन जो आसान इस समय चल रहा है, सबसे आसान है गूगल पे, फ़ोनपे, UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। UIN फॉर्म के लिए अंतिम अवसर मिला है, मात्र 24 घंटे के लिए UIN फॉर्म के लिए वेबसाइट खुलेगी। सभी दर्शक जो देख रहे हैं, जिनको UIN फॉर्म भरना है, चैनल को सब्सक्राइब किए रहे हैं, बेल आइकन प्रेस किए रहे हैं, जैसे ही पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। समय नहीं निर्धारित किया है विश्वविद्यालय ने, लेकिन नोटिस जारी हो गई है कि 24 घंटे के लिए अंतिम अवसर UIN रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदान किया जाएगा प्रथम वर्ष के लिए। UIN संबंधित और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो में थोड़ी दिक्कतें हैं आवाज़ से, वो हमें तबीयत थोड़ी ठीक कम है, जुकाम हुआ है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। जल्द ही सही स्वस्थ हो जाएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।